सेडान। तो ये है हुंडई वेन्यू का एस प्लस वेरिएंट जो कि अभी नया नया लॉन्च हुआ है। ये एस और एसएक्स के बीच में एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है। तो इसमें क्या क्या फीचर मिल जाते हैं चलिए चेक करते हैं। फ्रंट में आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा और क्रोम फिनिश में ये पूरी ग्रिल दी गई है। हेलोजन हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं इस वेरिएंट में और हेलोजन में ही टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। डीआरएल इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। चलिए साइड प्रोफाइल इसकी चेक कर लेते हैं। स्टील रिम व्हील्स मिल जाते हैं इसमें ब्लैक पेंटेड और इसमें व्हील कैप भी प्रोवाइड की गई है। और टायर साइज इसका मिल जाता है 195/65 R15। सो 15 इंच के टायर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे। यहाँ फेंडर पे ही आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। ORVM आपको बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं बट इस पे कोई भी टर्न इंडिकेटर नहीं दिया गया है। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर तीनों ही बॉडी कलर्ड में पेंट हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। बैक प्रोफाइल पे आ जाते हैं, बैक प्रोफाइल इसकी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉप में शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। रूफ रेल्स दी गई हैं सिल्वर कलर में। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप हमें मिल जाता है इस वेरियंट में। डिफोगर भी इस वेरियंट में प्रोवाइड किया गया है। रियर वाइपर या वॉशर नहीं मिलता है हमें और ये कनेक्टेड टेल लैंप का लुक दिया गया है बट ये जो मिडल पार्ट है ये इल्यूमिनेट नहीं होता है। बाकी जो सारा सेटअप है ये हेलोजन में ही दिया गया है। LED यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नीचे की तरफ हमें रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और दो पार्किंग सेंसर हमें इस वेरिएंट में दिए गए हैं। वेन्यू की बैजिंग आप देख सकते हैं, हुंडई का लोगो। चलिए इसका बूट चेक कर लेते हैं। 350 लीटर्स का हमें बूट स्पेस इसमें मिल जाता है। कोई लैंप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। 60-40 स्प्लिट में आपको सीट मिल जाते हैं तो अगर एक्स्ट्रा स्टोरेज की आपको नीड है आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। चलिए स्पेयर टायर इसका चेक कर लेते हैं। स्पेयर टायर हमें मिल जाता है, स्टील रिम व्हील है ये भी और सेम साइज का स्पेयर टायर आपको दिया गया है 15 इंच का। छोटा नहीं दिया गया टायर इसमें जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा उसकी वजह से। पार्सल ट्रे हमें इस वेरियंट में नहीं मिलती है। चलिए करते हैं इसको बंद और ड्राइवर सीट पर चल के चेक करते हैं। ड्राइवर साइड डोर इसका देख लेते हैं। सिल्वर फिनिश में हमें डोर हैंडल मिल जाते हैं और ब्लैक एंड बेज कलर में इसका इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और ये ORVM को एडजस्ट करने के लिए बटन दिया गया है। आप इसको फोल्ड नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप फोन या कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। नीचे बोतल होल्डर आपको मिल जाता है और मे बी अ स्मॉल अम्ब्रेला आप रख पाएंगे इसमें। चलिए इसकी सीट्स चेक कर लेते हैं। आपको 4-way एडजस्टेबल सीट्स मिल जाएंगी, हाइट एडजस्टमेंट इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। फैब्रिक सीट्स इसमें दी गई हैं, स्टिचिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इनका कंफर्ट भी डिसेंट है। यहाँ पे देख लेते हैं, हमें हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन मिल जाता है और ये आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है। इसी इवेंट्स मिल जाते हैं विद सिल्वर इंसर्ट्स। इसकी की चेक कर लेते हैं, में नॉर्मल फोल्डेबल की मिल जाती है इसमें, डिजिटल की अवेलेबल इसमें नहीं है। इसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। चलिए बैठते हैं कार के अंदर और इसका इंटीरियर चेक करते हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका चेक कर लेते हैं, पहले स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो हमें टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाती है, टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है और हमें राउंड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है विद 3-spoke डिज़ाइन। यहाँ पे हमें कंट्रोल मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए, वॉइस कमांड का बटन मिल जाता है मोड चेंज करने का, वॉल्यूम को कंट्रोल करने का, ट्रैक चेंज करने का और कॉल पिक एंड ड्रॉप करने का। और जो ये स्टार बटन दिया गया है आप इसको अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें हमें दिया गया है। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट शो यू। फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, RPM मीटर इधर दिया गया है। बैक सीट में भी किसने सीट बेल्ट लगाई है नहीं लगाई है उसकी वार्निंग भी यहाँ पे अवेलेबल है और बाकी ड्राइव इन्फो आपको मिल जाएगी, कितनी माइलेज कार प्रोवाइड कर रही है, कितनी दूर अपनी कार चल जाएगी और कितना डिस्टेंस आप रन कर चुके हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा कुछ और बाकी कंट्रोल्स यहाँ पे अवेलेबल है जो आप चेक कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है, वो जब कार रन करेगी तो ये शो कर देता है, एज यू कैन सी ड्राइव टू डिस्प्ले।
यहाँ पे हमें कंट्रोल मिल जाते हैं हेडलैम्प के लिए, और इधर कंट्रोल दिए गए हैं वाइपर के लिए। 8 इंच का इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, टच स्क्रीन। इसमें सारे बेसिक फीचर आपको मिल जाते हैं लाइक एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, जो कि वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं। टच रिस्पॉन्स स्क्रीन का काफ़ी अच्छा है। आई डिड नॉट फेस एनी इश्यू इन दिस। नीचे आ जाते हैं तो कुछ यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं फिजिकल इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। मैनुअल एसी इस वेरिएंट में मिल जाता है, ऑटो एसी का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक यूएसबी टाइप ए चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एक यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, आप फोन वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। मैनुअल गियर लीवर आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई पियानो ब्लैक या सिल्वर इंसर्ट नहीं दी गई इस वेरिएंट में। यहाँ पे छोटा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे मे बी आप कॉइंस वगैरह रख पाएंगे, और यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, आर्म रेस्ट भी इस वेरिएंट में अवेलेबल है विद सॉफ्ट टच मटेरियल। और आर्म रेस्ट के अंदर कुछ स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है, काफ़ी डीप है ये, तो फोन वगैरह भी आप यहाँ पे रख पाएंगे। करते हैं इसको क्लोज। इसका ग्लव बॉक्स अब चेक कर लेते हैं। एक काफी डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स इसमें मिल जाता है। हाँ, ये कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, और यहाँ पे कोई लैंप भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट साइज ठीक ठाक है। यहाँ पे भी हमें स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, फोन वगैरह यहाँ पे जो पैसेंजर होगा वो फोन अपना रख सकता है। फ्रंट में हमें दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं इस वेरियंट में। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM मिल जाता है इस वेरियंट में, और यहाँ पे हमें 2 लैंप दिए गए हैं जो कि हेलोजन में ही प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है सनरूफ के लिए। जी हाँ, इस वेरिएंट में हमें सनरूफ मिल जाती है। कुछ इतना ओपन हो जाती है सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन नहीं है, बट आई थिंक ये डिसेंट साइज की सनरूफ है, आप वेदर इसमें से एंजॉय कर पाएंगे। करते हैं इसको क्लोज। अब फ्रंट सीट को मैंने एडजस्ट किया है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, एंड फॉर रेफरेंस मेरी हाइट है 5'7". पीछे का कंफर्ट चेक करते हैं। बैक डोर देख लेते हैं सबसे पहले। ये भी ड्यूअल टोन फिनिश में आपको मिल जाता है, यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, और नीचे की तरफ बोतल होल्डर अवेलेबल है। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल दिया गया है। अब बैठते हैं कार के अंदर और इसका कम्फर्ट चेक करते हैं। फॉर समवन माई हाइट बहुत ही अच्छा नी रूम यहाँ पे अवेलेबल है, और लेग रूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। हेड रूम भी डिसेंट इनफ है। इफ़ समवन इज़ अप टू 6 फीट इन हाइट, ही कैन सिट ईजली इन दिस कार। यहाँ मिड में स्प्लिट एसी वेंट्स मिल जाते हैं फॉर रियर पैसेंजर्स, और नीचे की तरफ एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया गया है फॉर चार्जिंग। ग्रैब हैंडल दोनों ही तरफ अवेलेबल है, और यहाँ मिड में भी एक कैबिन लाइट मिल जाती है, हेलोजन में अवेलेबल है ये भी। रियर में तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल हैं, और 3-point सीट बेल्ट मिल जाती है तीनों ही पैसेंजर के लिए। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी इस वेरिएंट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा बैक सीट को आप 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए लीवर दिया गया है। दिस इज फर्स्ट स्टेप, इसमें कुछ इतना रिक्लाइन एंगल रहता है, और इसके बाद आप थोड़ा सा रिक्लाइन करके कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो वेन्यू के S+ वेरिएंट के बारे में। अगर आप चाहते हैं अपनी कार का लॉन्ग टर्म रिव्यू देना, तो दी गई मेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट दैट लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।